नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। मुजफ्फरपुर से बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड की रामनाथ धमोली पूर्वी पंचायत के कलवारी चंद्रभान निवासी दो सगे भाइयों की बुधवार को खेत का चौहद्दी देखकर वापस आने के दौरान बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से मौत हो गई। वहीं मृतक का एक भाई भतीजा खेत के बटाईदार और नाव खेने वाला बाल बाल बच गए। उसके बाद दोनों बेहोश भाइयों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से SKMCH रेफर कर दिया गया। वहां चिकित्सकों ने दोनों भाई को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान कलवारी चंद्रभान निवासी 70 वर्षीय होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी और उनके छोटे भाई 63 वर्षीय पूर्व सैनिक विद्यानंद चौधरी के रूप में हुई है। वहीं मृत डॉक्टर का एक भाई CRPF जवान विनोद चौधरी, भतीजा अरुण कुमार चौधरी, बटाईदार लक्ष्मण महतो, नाव खेने वाला राजकिशोर महतो किसी तरह बच गए। हादसे के बाद CRPF जवान विनोद चौधरी ने बताया कि वह अपने दोनों बड़े भाई और भतीजा अरुण चौधरी के साथ होने वाले सर्वे के लिए अपने खेत का चौहद्दी पता करने मिठन सराय ढाप गए थे। खेत बटाई होने के कारण किसी भाई को खेत का चौहद्दी मालूम नहीं था, जबकि सर्वे में खेत का चौहद्दी देना जरूरी बताया जाता है, जिसके कारण बटाईदार को बोलकर सभी लोग सुबह में घर से ढाप के लिए निकले। बूढ़ी गंडक नदी की दूसरी तरफ बटाईदार चंदेश्वर महतो मौजूद थे। सभी लोग चौहद्दी लिखकर नाव से वापस आ रहे थे। इसी दौरान बीच नदी में नाव डूबने लगी और देखते ही देखते नाव में पानी भर गया। सभी लोग नदी में डूबने लगे। क्या कुछ कहना है परिजनों का वो सुनिए। बाबा कैसे हो गया घटना इतना बड़ा? हम कैसे बताऊ, हमरा से पूछबो न कल ये ढाब खेत देखे के ललैया बटीदार से भेंट करे। बटीदार में जबरदस्ती फूटा नाव पर चढ़वा दिल के न चलू न हमसे बराबर ही नाव से जाय नावारी में जा गड़बड़ा के को हेले न अबे चले को चारों चारों न हिल आई चारों के चारों चल कैसे गए हम आश्चर्य लगे। पूछबो न कल कही हाँ हम जाए ढाब कहे भागा सब चारों के चारों चल गए कैसे आए नाम पति है दोनों गोरा के जिनका मौत हो गया है। अजीत कुमार चौधरी और विद्या कुमार चौधरी ढाब से खेत देखने गए थे। हाँ खेत के चौहद्दी लिखने के लिए गए थे। भूमि सर्वे होने वाला उसी का हाँ हाँ सर्वे हमारा अपने के हाथी भाई छे भाई छे वो भाई सबसे बड़ भाई हम ही छे। की नाम मिला अपने के? शत्रुघ्न चौधरी। वो लोग क्या करते थे? एगो फौज से रिटायर है, एगो यहाँ घरे हैं, वो पैसे की प्रैक्टिस करे तो रही सब खत्म हो गया सब बुरा हो। एगो घर में बताता है। एगो बाल बच्चा है उनका अजीत चौधरी के। एगो लड़का है, तीन गो लड़की सब शादी ब्याह है। विद्यानंद के भी दो एगो लड़का है, दो गो लड़की दोनों के शादी ब्याह भेले, बेटा के ब्याह है, सब भेले है। वन अपने फौज से रिटायर रह। सरकार के क्या कहेंगे जो भूमि सर्वे हो रहा है? बेकार सर्वे है। इस सर्वे में 62 में सर्वे हुआ था, कोई वंशावली नहीं मांगा था। सर्वे आया, मीन आया, घरे घर घूम के सर्वे करके था। ये वंशावली बनाने की क्या जरूरत था? लोग तबाह हो वंशावली में, सरपंच चक्रदार से सरपंच सब पैसा मांगता, आदमी परेशान है वंशावली से, आदमी तबाह है। सबसे बड़ी तो इस सर्वे को रुकना चाहिए। क्या सर्वे से सुरेंद्र साहब हम कहते जमाबंदी का निर्धारण हो जाता, मतलब जारी सरकार को मिलता। हम लोग वही किया है अभी, आपस से बंटवारा करके सबको जवाबंदी अलग अलग किया। खाली वही क्या जवाबंदी बिठन सराय का बाकी था, वही बटीदार से भेंट करने के बाद बटीदार ले गया, चलो माध्यम खेत दिखा दीजिए। वही बटीदार के फिर पड़ के खेत देख लीजिए। हमसे भेंट भी नहीं किया, पूछा भी नहीं है हमको जाना है, हम जाए ढाब की कहे कल के विषय में प्रोग्राम बतिया लगे विद्या जी हम जाए ध्यान कर्मचारी बोल कहो चलिए हम ठीक है चलो। सुना आपने, ये जो डूबे हैं उनके भाई थे। नाव डूबने से किसी तरह तैर कर चार लोग नदी से बाहर निकल गए, जबकि दो सगे भाई गहरे पानी में डूब कर बहने लगे। नदी से बाहर निकले सभी लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग नदी पर पहुंचे। इसके बाद आनन फानन में तीन चार नाविकों ने नाव लेकर डूबते दो लोगों को नदी से बाहर निकाला। इस दौरान घटना की सूचना पीड़ित के परिजन और आसपास के लोगों को मिल गई। इसके बाद पीड़ित के परिजन गाड़ी से नदी पर पहुंच गए। उसके बाद दोनों बेहोश भाइयों को परिजन आसपास के लोगों की सहायता से इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल में ले गए। वहां से स्थिति को खराब देख SKMCH रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों भाई को मृत घोषित कर दिया। घटना के दौरान गांव से नदी तक अफरा तफरी मच गई।
देखते ही देखते नदी किनारे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे मामले पर एसडीएम पश्चिमी श्रेयाश्री ने बताया कि दोपहर 12 बजे नाव पलटने से 6 लोग डूब गए। क्या कुछ कहना है उनका सुनिए। तो कांटी में जो मुझे सूचना मिली है, कलवारी बोलचाल की भाषा में गांव का नाम है, इसे रामनाथ धमोली गांव का नाम बताया जा रहा है। यहां पर एक नाव से 9 लोग नदी पार कर रहे थे, जिसमें से कि नाव पलटने के कारण 7 लोगों को बचा लिया गया है पर और 2 लोगों की डूबकर मृत्यु हो गई है। इन 2 लोगों को के जो शव है वो बरामद कर लिए गए हैं। पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो जारी है और ये दोनों लोग जहाँ तक अभी सूचना मिल रही है भाई हैं। अब इसमें जैसे इस पे आगे सूचना मिलेगी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। मृतकों की पहचान सूचना मिली है कि हो गई है, पर मेरे पास इसकी अभी स्पष्ट सूचना पहुंची नहीं। रेस्क्यू सभी का हो गया, जो डूबे थे कितने लोग, सब लोग निकाल लिए? हाँ, सभी लोग 7 लोगों को जीवित और 2 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है। सुना आपने, 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, 2 की मौत हो गई है। मृतक काटी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ा ही दर्दनाक ये मामला सामने आया है, जहां पर 2 सगे भाई बूढ़ी गंडक नदी में डूब गए हैं। मुजफ्फरपुर से मुकेश ठाकुर की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।